सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक की गोली मार कर हत्या। अनजान शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मृतक ने हाल ही में खोली थी सिक्योरिटी एजेंसी। बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो है अपराधियों का हौसला। लगातार अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर बिहार की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों ने खूनी खेल खेला है और एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को मौत के घाट उतार दिया। तारीख 24 मार्च 2018, थाना गर्दनीबाग, राजधानी पटना, बिहार। पटना में एक शख्स की गोली मार कर हत्या कर दी गई। मामला राजधानी के गर्दनीबाग थाना इलाके का है, जहां गर्दनीबाग रोड नंबर 16 में स्थित ताहिर लेन के एक अपार्टमेंट के बरामदे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया उसका नाम था कामेश्वर सिंह और वो सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक था। दरअसल एक शख्स कामेश्वर सिंह से मिलने आया था। वो अपार्टमेंट के पोर्टिको में कामेश्वर सिंह से बातचीत कर रहा था कि अचानक उसने पिस्टल निकाल कर कामेश्वर सिंह के सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद वो शख्स फरार हो गया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। खुद एसएसपी मनु महाराज वारदात की तफ्तीश में जुट गए। कामेश्वर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच में पुलिस के सामने एक संदिग्ध का नाम आया है जिसकी तलाश की जा रही है। हाल में यहाँ एक कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी नाम से एक कंपनी चला रहे थे, वो आज यहाँ करीब 11:30-12 के आसपास आए हैं और तभी उनके ऊपर गोली मारी गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। जैसा कि अभी पता लगा है हॉस्पिटल में उनको लेके जाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी उनकी सांस चल रही है, हम लोग अभी उनको हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं अच्छे से। और जैसा कि लोगों से पूछताछ में पता लगा कि एक लड़का जो यहाँ से भागा हुआ देखा गया, जो गोली मार के भागा है, हम लोग जांच कर रहे हैं और उस जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, जल्द से जल्द इसका खुलासा होगा। दरअसल कामेश्वर सिंह आरा का रहने वाला था और हाल ही में उसने अपनी छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी खोली थी जिसके चलते वो पटना में रहता था। वो शख्स कौन था जिसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और क्यों उसने कामेश्वर की हत्या की, इस राज से पर्दा उठना बाकी है जिसके लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। गुना के लिए पटना से नीरज की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।